छोरिया के छोरा से कम है के भाई जी ताने साची बोलूं थारी छोरिया छोरा से कमती कोनी। परंतु ये भी पक्की बात है कि थारा छोरा भी छोरा से कमती कोनी। और अहिया तो खुद छोरो हो तो छोरा की साइड तो लेनी पड़सी। आदरणीय कमिश्नर साहब तिवारी जी, मैडम चेयरमैन शकुंतला जी, आपके प्रिंसिपल साहब कौशिक जी, आपके स्कूल में आके मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और मैं जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। आज भी जब इन्होंने मेरे को बुलाया तो पहले तो मैंने कहा कि जी मेरे को एक शादी में जाना है और वो दिन की शादी है और आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है तो मेरे को तो घर में ही रहना पड़ेगा। तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि जी मैं नहीं जानता, आपको तो आना ही पड़ेगा। और भगवान की दया से जिसकी शादी थी उसने भी माफ़ कर दिया, मेरी बिटिया ने भी माफ़ कर दिया और मेरे को यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और अभी फिर इन्होंने बोला है, मुझे कुछ पॉइंट्स बता दिए। मैंने कहा जी मुझे तो बच्चों से बात करने के लिए आना पड़ेगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। जितने भी महानुभाव यहां बैठे हैं, आप सबके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं ये मेरा निज का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं 2 साल आपके बच्चों से इंटरेक्शन कर चुका हूं और मैंने आपके बच्चों को देखा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं जो भी रिपोर्ट में कहा गया वो तो आप लोग कह सकते हैं जी तो सेल्फ ग्लोरी है जी क्या है, परंतु मैं आपको सच्ची बात बता सकता हूं, मैंने देखा है इतना प्यार मिलता है यहाँ के बच्चों को, इतना अधिक प्यार मिलता है यहाँ के बच्चों को। मैं जब स्कूल में घुसता हूँ कोई तो बच्चा मैंने नहीं देखा जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, किसी के चेहरे पे मैंने मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखा। मैं जब स्कूल में आया और जब प्रिंसिपल साहब के कमरे से मैं ऊपर जहाँ पे वो चिल्ड्रन बच्चों से इंटरेक्शन का कमरा था वहाँ जाने के रास्ते में जब मैं घुसा, छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ टीचरों से चिपटे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब देखते हैं प्रिंसिपल साहब से आगे चिपट जाते हैं। मैंने तो ये किसी स्कूल में नहीं देखा। बच्चे टीचर से डरते हैं, बच्चे प्रिंसिपल से डरते हैं, यहाँ तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि बच्चे ना तो टीचर से डरते हैं ना प्रिंसिपल से डरते हैं। परंतु वो डर ऐसा नहीं है कि वो जो मन में आए करें, वो डर वो प्यार ऐसा है कि जो डिसिप्लिन करना है वो डिसिप्लिन बच्चे फॉलो करते हैं। उसके बाद मैं जब बच्चों से बातचीत करता हूँ, मैं केवल जो मेरा मैसेज होता है बातचीत, तो मैं बहुत लंबी करता हूँ, 3-3 घंटा मैंने आपके बच्चों से बातचीत करी है। लंच का टाइम हो गया, मैंने बच्चों से पूछा क्यों जी और आगे कंटिन्यू करें या भूख लग रही है, बोले जी और आगे कंटिन्यू कीजिए, हमें खाना नहीं खाना। इतने एंथुजियास्टिक बच्चे, 11वीं और 12वीं के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, इतने एंथुजियास्टिक की होती है जैसे प्रिंसिपल साहब ने बोला दादा पोता पोती के साथ भी डिस्कशन होते हैं, हर तरह के डिस्कशन होते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, हंसी मजाक भी होते हैं, परंतु मेन मैसेज केवल 2, एक हमेशा मुस्कुराते रहना। परंतु ये मैसेज मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके बच्चों को हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। दूसरा मैसेज केवल एक शब्द शुभ। अब शुभ का इंटरप्रिटेशन, कई बच्चों से मेरी बातचीत हुई, मतलब कुछ बच्चे मेरे से बाद में ईमेल पे भी मुझसे बातचीत करने लगे, मुझसे पूछने लगे मैं ग्रेट बच्चा कैसे बन सकता हूं। मैसेज केवल एक है, शुभ। शुभ को अगर
कोई भी बच्चा या आप सब अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आपकी ग्रेटनेस, आपकी हैप्पीनेस आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। शुभ शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ कैरेक्टर, शुभ डेस्टिनी और उसके बाद शुभ लाभ। अपने दिवाली पे लिखते हैं शुभ लाभ, तो शुभ लाभ। अगर कोई भी बच्चा शुभ के बारे में सोचने लग जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं कभी भी कैरेक्टरलेस बच्चा नहीं हो सकता। और समाज का वो एक पिलर बन के खड़ा हो जाएगा, वो बच्चा समाज का एक पिलर बन के खड़ा हो जाएगा। और जो बच्चा समाज का पिलर बन के खड़ा हो गया, और यहाँ के बच्चे, अगर कई सारे बच्चे समाज के पिलर बन के खड़े हो गए, भिवाड़ी समाज का क्या होगा आगे जाके? इतने अच्छे बच्चे समाज के पिलर अगर बन के खड़े हो गए तो भिवाड़ी का समाज तो सारा बदल जाएगा, सारा समाज सोचने लग जाएगा शुभ। और ये जो शुभ अगर हमारा आगे जाके हर बच्चे के कैरेक्टर में आ गया तो समाज के अंदर जितनी गंदगी आज फैली, अपने जो पोल्यूशन की बात करते हैं, शुभ जहां हमने शुभ सोचना शुरू कर दिया, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोल्यूशन जीरो हो जाएगा। जहां हमने शुभ सोचना शुरू कर दिया, हम ये सोचने लग जाएंगे भैया जो समाज के लॉज हैं, समाज के जो रूल्स हैं, वो हमको फॉलो करने हैं, क्योंकि शुभ। अपने आप समाज में स्ट्रेंथ आ जाएगी, अपने आप समाज फुल ऑफ वंडरफुल कैरेक्टर बन जाएगा। और नहीं तो जो आज की गंदगी है वो गंदगी आती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आज जो हमारे पॉलिटिक्स में हो जाता है, कास्ट सिस्टम, हमारा टोटल समाज हमारा डिवाइडेड हो जाता है कास्ट की वजह से या रिलीजन की वजह से। जहां हमने शुभ सोचना शुरू कर दिया, वहां हमारे पॉलिटिशियंस हमको कास्ट या रिलीजन की वजह से हमको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज एकजुट होके रहेगा। अभी तिवारी जी ने दो बात बताई, सर्वे भवंतु सुखिनः। आगे वाला आपको मालूम है, मेरे को बोलना नहीं है। शुभ सोचने से सर्वे भवंतु सुखिनः एकदम अक्षरशः इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरी बात जो तिवारी जी ने कही, नहि सुप्तस्य सिंहस्य। ये आपका जो स्कूल है ये बच्चों को जागृत कर रहा है। बच्चों में जो ये सिंह तो सब हैं, सिंह हो सिंहनी हो, परंतु उनको जागृत करने का काम आपका और आपके स्कूल का। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि ये जो आपका स्कूल है ये बच्चों को जागृत करने का काम कर रहा है। क्या जितने भी आपने देखे सारे एक एक एक्शंस, मेरे को सबको गिनाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इनकम टैक्स की बात कर लीजिए, चाहे ईच वन टीच वन की बात कर लीजिए, चाहे गार्बेज टू ग्राउंड की बात कर लीजिए, चाहे सब्सिडी वाली बात कर लीजिए, गिव इट अप की बात कर लीजिए, ये क्या है? ये ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ये आपका स्कूल आपके बच्चों को सिखा रहा है। खाली एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक मिनट, योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स। शुभ थॉट्स आप अपने मुंह से हमेशा शुभ बातें बोलेंगे, शुभ वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट्स। आप अगर शुभ बातें मुंह से निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रोज के विचारधारा में, रोज के आप जो क्रम करते हैं उसमें आपका शुभ, आपके एक्शंस में शुभ आ जाएगा। वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर। अच्छी हैबिट्स रह जाएंगी आपके बच्चे और आप अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति बन जाएंगे। एंड
वॉच योर कैरेक्टर दैट बिकम्स योर डेस्टिनी. अच्छा कैरेक्टर होगा तो हमारी और हमारे समाज की डेस्टिनी ऊंची ही ऊंची जाने वाली है. नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठता. ग्रेटनेस जब हम बात करते हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बने, हमारे बच्चे लॉयर्स बने, वो सब तो बच्चे अपनी पढ़ाई की कैपेबिलिटी से बन ही जाएंगे. परंतु इस पढ़ाई के अलावा अगर बच्चे का कैरेक्टर अच्छा बन गया तो वो समाज में आतंक फैला देगा. आतंक, वो भी तो एक आतंक ही है ना. अगर बढ़िया चीज समाज में फैल गई तो एक आतंकवादी की तरह से काम फैल जाएगा. ये आपका स्कूल बच्चों में डाल रहा है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक. थैंक यू.